पर योगी की कोलकाता रैली रद्द हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ जिनका आज कोलकाता का दौरा था और वहां जाने वाले थे, रैलियों को संबोधित करने वाले थे, ये रैली रद्द हुई है। अमित शाह कल वहां गए थे और जबरदस्त तरीके से उस रोड शो में हिंसा हुई थी और अब देखिए योगी आदित्यनाथ की जो कोलकाता रैली थी वो रद्द हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की कोलकाता रैली रद्द हुई है। योगी की कोलकाता रैली रद्द हुई है। आप देखिए कल ही अमित शाह वहां पर गए थे और जिस प्रकार से उनके रोड शो में बवाल मचा था उसके बाद आज सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम था रैली का, वो रद्द हुआ है। कुमार पुष्कल हमारे साथ संवाददाता हमारे ज्यादा जानकारी के लिए। पुष्कल, क्यों रद्द हुआ है ये दौरा, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए खुशबू, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोलकाता दौरा था, चुनावी दौरा था, लेकिन साफ तौर पे ये कहा जाए कि कल जिस तरह से हिंसा हुई है रोड शो के दौरान उसके बाद दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं, वीडियो वार शुरू हो गया है, तो कहीं ना कहीं अब बहुत मामला सेंसिटिव हो गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर वहां पहुंचते हैं, और साफ तौर पे बीजेपी ने आरोप लगाया है जो मंच बना था कार्यकर्ताओं ने उसे तोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से साफ तौर पे अब हिंसा साफ तौर पे दिखाई दे रही है कि अगर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचते हैं तो जरूर एक बड़ी हिंसा हो सकती है। इसके चलते उस आरोप को भी एक तरह से बीजेपी ने सही माना है कि जब स्टेज तोड़ दिया गया है तो टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं कुछ भी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पहला मौका वैसे सीएम योगी आदित्यनाथ के का है नहीं कि रद्द हुआ हो दौरा, खास करके कोलकाता की बात करें। अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने ट्वीट भी किया था, वहां पर वो ऐसी संभावना लगाई जा रही थी कि वो जा रहे हैं, लेकिन अचानक ये फैसला लिया गया है। पुष्कल, काफी दबाव है। देखिए कुछ कहीं ना कहीं भारी दबाव है कि कोई भी अनहोनी हो सकती है, क्योंकि आज अमित शाह ने साफ तौर से कहा कि उनकी हत्या भी हो सकती थी। कहीं ना कहीं जिस तरह से उन पर अटैक किया गया था रोड शो के दौरान, तो उन्होंने माना कि उनकी हत्या हो सकती थी उस दौरान जब आगजनी हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, तो उसी को लेते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी का दौरा, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा रद्द माना जा सकता है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए मेरे साथ।